सो गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। होप करता हूँ आप लोग सारे बढ़िया होंगे। और अभी अगर देखें तो सारी जगह पे न्यूज़ में यही आ रहा है कि मसूरी स्नोफॉल हो चुका है, मनाली स्नोफॉल हो चुका है, शिमला स्नोफॉल हो चुका है, कुफरी में बहुत ज़्यादा बर्फ है। तो हमें मेरे ख्याल से चलना चाहिए वहाँ पर। आप क्या सोचते हो, चलना चाहिए ना? लेकिन इस बार अलग स्टाइल से, मतलब पलक झपक के वहाँ पर पहुँचेंगे। कैसे पहुँचेंगे दिखाएं। सो देखा, टाइम ट्रेवल करके हम यहाँ पे कहाँ पहुँच गए। तो राइट नाउ वी आर एट अम्बाला, और यहाँ से जो मसूरी है वो है टोटल 194 किलोमीटर, जिसको ट्रेवल करने में हमें लगेंगे टोटल 5 घंटे। मैं ये टाइम ट्रेवल से भी कर सकता था, लेकिन यार थोड़ा सा बिजी नेटवर्क था, इसलिए थानोस की चुटकी काम नहीं करी। ये थोड़ी सी बेइज्जती थी, लेकिन एक्चुअली जोक्स अपार्ट, जोक्स अपार्ट, जोक्स अपार्ट। चलो मसूरी जाके स्नो से खेलें। ये देखो, इसको स्नो की पड़ी हुई है। बेचारे को शिमला में तो मिली नहीं थी, बेचारे को मिली नहीं थी। पिछली वीडियो आपने देखी होगी तो पता चल जाएगा, अगर नहीं देखी तो प्लीज एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि पिछली बार बेचारे का सपना अधूरा था। तो इस बार स्नो मिलने वाली है। तो हर जगह पे न्यूज छाई हुई थी कि भैया स्नो गिरी हुई है, स्नोफॉल हो रखा है। कहाँ पे? शिमला में, मनाली में, मसूरी में, धनोल्टी में, करनातल में, पता नहीं हर जगह में। तो फिर ही स्टार्ट सेइंग कि यार हमें जाना है, हमें जाना है। तो हमने सोचा चलो मसूरी होके आते हैं। हैं, हमें खुद ही जाना है, हमें खुद ही जाना है। तो चलो अभी ट्रैवल करते हैं और पहुंचते हैं मसूरी और देखते हैं क्या हाल है। यहाँ से पहाड़ी इलाका स्टार्ट होता है। ओ भाई साहब, ये क्या हुआ? था पूरा यार। ओ शिट, क्या हुआ? देखना पड़ेगा। एकदम ही पत्थर आए और उसके बाद धड़ धड़ धड़। चलो लेट मी कॉन्सेंट्रेट अगेन ऑन द रोड। यार अब ये तो यही जान सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये लोग टेस्ट करते हैं, हर एक चीज चेक करते हैं कि सीट बेल्ट डाली है कि नहीं डाली, पेपर्स पूरे हैं कि नहीं है मैक्सिमम। लेकिन अगर देखते हैं ना कि फैमिली कार जा रही है तो ज्यादातर छोड़ दिया। हाँ, फैमिली को देख के छोड़ दिया। लेकिन अगर लड़के शड़के जा रहे होते हैं तो फिर एक्चुअली में रोकते हैं, उसके बाद ये चेक करते हैं कि सारे पेपर सही हैं कि नहीं है, कोई ऐसी चोरी की गाड़ी की तो नहीं है। उसके बाद ये भी चेक करते हैं कि आपका लाइसेंस है कि नहीं है, दारू शारू तो नहीं लेके जा रहे, क्योंकि पी रखी होती है ना। तो फिर अगर आप हिमालय एरिया में या फिर पहाड़ों पे चलाते हो पी के, तो एक्सीडेंट होने के खतरे होते हैं। दिस इज ऑल। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इन्होंने हमें क्यों रोका, हमें क्यों रोका, मतलब रोक नहीं सकते। चाय पीनी है, तुम्हें ये हक, चाय पीनी है कि तुम हमें रोक सको। ओह माय गॉड, अरे आप सुपरवाइजर घर के हो, यहाँ आगे नहीं। हर जगह नहीं चलती तुम्हारी, हमें रोकने वाले। ओह माय गॉड। सो गाइस, हमें निकले हुए हो गए हैं 4 घंटे और अभी बज रहे हैं 12:05 हुए हैं, और अभी हम नाश्ता और
चाय पियेंगे यहाँ पे, जिसके लिए मैं बदनाम हूँ चाय ना पिलाने के लिए। तो अभी हम रुके हैं थापास, अभी भी डेढ़ मतलब दो तीन घंटे का रास्ता बाकी है मसूरी के लिए। चाय ऑर्डर किया है, चाय पीते हैं और साथ में खाते हैं एक पराठा। तो भैया ऊपर मौसम कैसा होगा? अभी तो सर आज के उसमें तो मौसम तकरीबन सही रहेगा। सही रहेगा जी। तो कल खराब यहाँ क्या का शायद वेदर रिपोर्ट के मुताबिक कल का खराब है, अभी मौसम ठीक है ना, जा सकते हैं ना? जा सकते। कल वो कह रहे थे वो गाड़ियाँ स्लाइड हो रही है, वो कुछ ऐसा हो रहा था, कल परसों हुआ था। परसों हुआ था क्योंकि पिछले दिनों बारिश का मौसम था ना इसलिए। अच्छा, थैंक यू भैया। वो यार थोड़ा सा रिस्क रहता है ना फैमिली के साथ जाते हुए। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं। चलो ठीक है, थैंक यू भैया। पराठे बड़े स्वाद थे, क्या राज है? राज है यहाँ के आटे का राज है, यहाँ पे पानी का राज है। भैया शर्मा रहे हैं, भैया शर्मा रहे हैं जी सिंह राज। तो दोस्तों अभी निकलने वाले हम वापस मसूरी की तरफ। द टाइम इज़ 12:30 और धूप पूरी है यार, लग नहीं रहा कि वहाँ पे कुछ ऐसा इशू होगा। लेट्स सी दैट वन, चलो चले। सो अभी हम आ रहे हैं अंबाला से नारायणगढ़, नारायणगढ़ से नाहन, नाहन से मसूरी जा रहे हैं। तो टोटल मेरे ख्याल से 106 किलोमीटर अभी भी दूर है मसूरी, 3 घंटे लगने वाले हमें उसको कवर अप करने के लिए। और अभी हमारी जो पेट्रोल की टंकी है वो भी खाली हो रही है, 3 पॉइंट रह गए हैं। तो ढूंढेंगे पहले इंडियन ऑयल का पेट्रोल पम्प और फ्री फ्यूल करवाएंगे। सर मिलावट तो नहीं होता ना? भैया भी हंस रहे हैं कि मेरे से क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। अरे ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं होता ना, कंपनी में नहीं मिलेगा। नहीं एक्चुअली मैं, मेरे को भी ट्रस्ट है इंडियन ऑयल पे, तभी मैं इंडियन ऑयल की भी डलवाता हूँ। यहाँ के तेल में शिकायत मिलेगा? हैं, यहाँ के तेल में शिकायत मिलेगा। अच्छा दिल्ली में शिकायत मिलती है, यहाँ नहीं मिलेगी शायद। चलो गुड है, गुड है। सिमर हाँ? इस बार फिर नहीं मिलेगी तू? ओ स्नोफॉल मिल जाएगी? नहीं मिलेगी? मिलेगी? नहीं मिलेगी? मिलेगी? नहीं मिलेगी? मिलेगी? मिलेगी नहीं? मिलेगी। लगा ले शर्त। लगा ली। कितने की? मिलेगी। कितने की? 100 रुपए की। बस 100 रुपए की? बस हाँ, मुझे 100 रुपए चाहिए। अच्छा आपको 100 रुपए चाहिए, मतलब इतना कॉन्फिडेंस इतना है कि भैया 100 रुपए तुमने जीत लिए? भाई साहब देखते हैं, देखते हैं। तू कहाँ से देगी 100 रुपए मेरे को? आपके पास सब मैं तो मैं नहीं दूंगी, अगर मैं जीत गई तो आप मुझे दोगे। ओके आपके पास पिगी बैंक में है ना, मैं वहाँ से ले लूंगा। लेकिन अभी तो हम सो रहे हैं। हाँ मैं मम्मा से लेके दे दूंगी। मम्मा से लेके दे दोगे? बहुत ही हाँ। बढ़िया, सारी इकट्ठी करके रखी हुई है। ओ शिट, मैं 1 मिनट में ही शर्त हार गया। ये बड़ी स्नो, अरे 200 रुपए। ओ भाई साहब ये लगते हाथ ही हार गया मैं।
मतलब ऐसे कैसे यार, धूप इतनी चढ़ी हुई है, यहाँ पे स्नो पड़ी हुई है, ये क्या यार, ये क्यों गंदी गंदी स्नो है, बहुत दिन हो गए उनकी पड़ी हुई ना। ओ भाई साहब, लेकिन फिर भी स्नो तो है। मतलब मैं हार गया? हाँ। दो अब 100 रुपए। ले भाई 100 रुपए ले ले, ये ले। सर एंट्री करनी होगी तो कैसे करें? ओके सो गाइस, फाइनली वी रीच एट मसूरी, और यहाँ पे स्नो तो नहीं मिली, लेकिन थोड़ी सी आगे है वो स्नो मिल जाएगी, तो हम जाएंगे वहाँ पे कल। और अभी अपने होटल भी बुक नहीं कराया था, तो अभी हम कराने वाले हैं होटल बुक, और तब तक आप टाइम लैप्स का मज़ा लीजिए सनसेट का। सामने देखिए क्या वंडरफुल सनसेट है, नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, अभी दिखाते हैं। सो ये है एंट्री हमारे होटल की, होटल सूर्य किरण। तो ये भाई साहब मिलेंगे आपको। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो डिनर आप लोगों का हो गया, डिनर भी हो गया, सब कुछ हो गया, तो अच्छा होटल है वैसे आपका। ओके थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो अभी हम करेंगे रेस्ट, एंजॉय करेंगे। ये गैलरी है और यहाँ पे हमने लिया है रूम। सो गाइज ये है हमारा रूम, सही है, साफ सुथरा है, बढ़िया है। 1500 रुपये कॉस्ट लगी हमें, पर मतलब इस रूम की मस्त वाला रूम है यार। तो अभी हम करते हैं एंड, टायर्ड हो चुके हैं पूरी तरह। सो हेलो गाइस, होप करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा हमारा टाइम लैप्स। इन बिटवीन हमने होटल भी ढूंढ लिया, सब कुछ कर लिया, चेक इन कर लिया, अपना रायता भी पिला दिया, मतलब गैजेट्स अपने चार्जिंग पे लगाने थे वो भी लगा दिए। यहाँ पे स्नोफॉल हुई थी, बहुत गंदी वाली हुई थी, एक एक फुट तक की बर्फ थी, लेकिन उसके बाद एकदम ही यू नो हमारे सूर्य देवता ने अपनी कृपा जमाई और सारी स्नो है वो मेल्ट हो गई। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको यहाँ पे स्नो मिलेगी, तो आप आ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो फैमिली के साथ। कल थोड़ा सा मौसम है वो खराब है, अगर हुआ तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। यहाँ से लाल टिप्पा एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप जा सकते हो, अभी स्नो मिलेगी जो लोकल बंदे बता रहे, कल हम उसको एक्सप्लोर करेंगे, अगर हुई स्नो तो वहां पे आपको दिखा दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को स्नो देखनी देखनी है, उसमें खेलना ही खेलना, बिकॉज जो फैमिली के साथ जब जाते हो ना तो रिस्क कम ही लेते हैं, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे कुछ दोस्त है वो शिमला में भी फंसे हुए हैं, क्योंकि सूरज चढ़ा, स्नो मेल्ट हुई, उसके बाद वो एक लेयर बना देती है सड़क के ऊपर, जहां पे फिर गाड़ी स्लिप करती है, बर्फ की लेयर बनाती है ना, तो फिर गाड़ी स्लिप करती है उसके ऊपर। तो ऐसा कोई रिस्क मैं लेना नहीं चाहता, एंजॉय किया हमने मसूरी और करने वाले हैं। स्नोफॉल नहीं हुआ कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम और जगह पे और कहीं पे, मनाली भी जाना है, बहुत जगह जाना है। तो अभी हम करते हैं वीडियो को एंड, अमेजिंग रहा पूरा टूर, अभी हो गए पूरी तरह टायर्ड। अपकमिंग वीडियो में देखना और भी बहुत सी चीजें हैं जो हम आपको दिखाएंगे मसूरी में, कैप्टी फॉल भी जाना है बहुत जगह, तो स्टे ट्यून विद मी। लेकिन एक लड़की है जो कुछ कहना चाहती है और बार बार मेरे को बोल रही थी कि मैंने कुछ बोलना है। If you like my smile, then please subscribe this channel called G Singh Nation and please like this channel. Okay, thank you so much Simar for this message. So guys, if you like her smile, so please subscribe to my channel and if you want to say anything, please do comments, right? Yes. And like, please like it. So, abhi close karte, bye bye.